करने की कोशिश करनी विद द हेल्प ऑफ लेंस, ठीक है। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, हम इसके ऊपर आए, हम कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेंस को ले रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग ए लेंस, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ रही है, ठीक है। अब आपने एक कन्वेक्स लेंस प्लॉट किया, आपने एक कन्वेक्स लेंस प्लॉट किया, ये फ्री हैंड के साथ करना है, ठीक है, ये सारा काम आपको फ्री हैंड के साथ करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब ये फ्री हैंडेडली हमने किया है ये सारा, हमने ये सारा फ्री हैंडेडली करना है, लेकिन याद रखिएगा जो ये लाइन निकल के आ रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप यही स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे, उसके बाद फ्री हैंडेडली आप इसके साइडों पर जितना मर्जी गैप के साथ आप लेंस को तैयार कर सकते। हमें ये सिर्फ ब्लू लाइन के साथ मतलब है, बाकी जो ये लेंस का ये वाला सरफेस निकल के आ रहा है, ये फ्री हैंडेडली तैयार कर लो, जैसा मर्जी तैयार हो जाए, हमें इसके साथ मतलब नहीं है, ठीक है। अब जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये वाली स्ट्रेट लाइन आके मीट कर रही है, वो पॉइंट होता है मेरा प्रिंसिपल पोल, वो पॉइंट होता है मेरा पोल, और सारी मेजरमेंट्स फ्रॉम द पोल की जाती है, सारी मेजरमेंट्स फ्रॉम द पोल की जाती है। अब इक्वल मतलब एक सर्टन डिस्टेंस के ऊपर आप एफ लेते हो, दोनों साइड्स में एफ निकल गया, दोनों साइड्स में एफ निकल गया था, देन वहां पर अगर मिरर का आपको याद हो, एफ लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, यहां पर टू एफ लेंगे, मतलब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसने, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हमने क्या ले लिया, टू एफ ले लिया, मतलब फोकल लेंथ का ट्वाइस ले लिया, फोकल लेंथ का हमने ट्वाइस ले लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ट्वाइस ले लेते हैं हम इसे, ठीक है। ये बातों को ध्यान में रखिएगा इन सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है। देन हम जाते हैं रूल्स के ऊपर, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स के ऊपर आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। हमें रूल्स को डिस्कस करना है साथ के साथ, जैसे मिरर्स के अंदर रूल्स को डिस्कस किया था, वैसे ही रूल्स यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। प्रवीण अपने स्पीकर बंद कर लो, गुरनूर सिंह कौन है, अपना स्पीकर बंद करो फिर, ठीक है। अब याद रखिएगा ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट जो पहला रूल मेरा निकल के आ रहा है, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, होता क्या है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस अक्कर करता है इसमें, मैंने ये सारा इंट्रोडक्शन के बीच में बताया था, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ठीक है, दिस इज ए रेयरर मीडियम, दिस इज ए डेंसर मीडियम, ठीक है। व्हेनेवर ए लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, वो अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, वो अपना पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। अब जब भी वो पाथ चेंज करेगी तो फोकस में से पास करके जाएगी, याद रखो इस बात, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल निकल के आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, हमेशा फोकस में से पास करके जाएगी, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, ठीक है। ये मैं लेंसेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब चलो कन्वेक्स लेंस के साथ ही चलते हैं पहले, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस के केस में बात करते हैं। तो ये मेरा पहला रूल निकल के आ जाता है कि एवरी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, देन सेकंड हम आगे बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। अब ये देखो, जब मेरे को
लेंस ड्रॉ करना है तो मैं ये स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करता हूँ, ये वाली स्ट्रेट लाइन दूसरी बार, उसके बाद फ्री हैंडेडली यहां पर लेंस ऐसे प्लॉट कर दूंगा। एवरी टाइम कॉपी के ऊपर लेंस को जब प्लॉट करना हो या एग्जाम्स में लेंस प्लॉट करना हो ऐसे ही करना। ये मैंने जो कर्वी सर्फेसेस बनाए ये फ्री हैंडेडली बनाए हैं, एक साइड पे थोड़ा मोटा हो गया तो एक साइड पे थोड़ा पतला हो गया तो चलता। हाँ जब आप ड्रॉ कर रहे हो थोड़ा सा नीट एंड टाइडी होना चाहिए बट चलता, बार बार रबिंग नहीं करनी एग्जाम। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल में से पास करके जा रही है, ठीक है, इफ ए रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द पोल, इसे ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं हम, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो वो बिना बेंड किए, याद रखिए विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये रे विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विल पास थ्रू दी लेंस, विल पास थ्रू दी लेंस। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर या पोल, इसे पोल कह दो, पोल में से पास करके जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। ठीक है, इट पास थ्रू स्ट्रेट, वैसे ये जरूरत में नहीं आएगा हमारे, ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, देन थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करके जा रही है, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करके जा रही है, सपोज करो यहां से फोकस में से पास करके जा रही है, तो याद रखिएगा वो लाइट फोकस में से पास करने के बाद, ठीक है, चेक कर लो ये बात, फोकस में से पास कर रही है, ठीक है, वो लाइट फोकस में से पास करने के बाद जब लेंस के साथ आके कोलाइड करेगी, इंसिडेंट होगी लेंस के ऊपर, तो वो बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जाए। ठीक है जी, तो ये मेरे तीन रूल्स निकल के आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री रूल्स हम इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस की याद करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां से टॉपिक शुरू हो रहा है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, अब ये इमेज फॉर्मेशन बाय मेरा कन्वेक्स लेंस शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला केस इसके बीच में जो मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है, वो होता है जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जैसे वहां पर पोल था यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो क्या करने के, सबसे पहले लेंस की फॉर्मेशन, अब आपको मैंने सिखाया स्ट्रेट लाइन बनाओ इस तरह से, ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है, तो फ्री हैंडेडली हमने लेंस को तैयार कर दिया। अब आपके पास कॉपी होगी, वो लाइंस वाली कॉपी होगी, तो याद रखो लेंस को तैयार करने ना तीन लाइंस ऊपर तीन लाइंस नीचे, तीन ही लाइंस का लेंस ऊपर, मतलब टोटल सिक्स लाइंस का लेंस तैयार कर लिया, टोटल सिक्स लाइंस का लेंस तैयार कर लिया।
ठीक है। तो हमने क्या लिया रफली, अब यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस पर रखना है, यहां पर एफ लिया, यहां पर टू एफ, इधर भी यहां पर एफ लिया, यहां पर टू एफ। अब ये डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए एवरी टाइम, ये वाले डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर कहीं यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया, आप सिंगल लाइन का ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है, सिंगल लाइन का एक ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा ले लिया। अब क्या करना है, एक स्ट्रेट रे पास करके जाएगी पहले तो दी फोकस, अब आपको मालूम है ये हमेशा क्या होगा, ये फोकस के साथ क्या निकल के आएगा, फोकस में से पास करके जाएगी, ये किस में से पास करके जाएगी, फोकस में से पास करके जाएगी। देन जो दूसरी रे निकल के आ रही है उसे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओ एवरी टाइम, जो दूसरी रे निकल के आ रही है उसे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराओ इस तरह से, जो दूसरी रे मेरे पास निकल के आ रही है उसे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाओ। अब जब आप उसे ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराओगे, यहां पर आप चीज नोट करो, ठीक है, एक चीज यहां पर नोट करो कि यहां पर ये क्या आ रही है, या अगर यहां पर आप देखोगे तो ये डाइवर्ज निकल के आ रही है, डाइवर्ज निकल के आ रही है, और हमें मालूम है एक रे, मतलब अगर आप चाहते हो कि एक इमेज हमें मिला मिले तो इमेज के लिए हमें एटलीस्ट दो रेज मीट करवानी, तो यहां पर ये दो रेज जो मेरी मीट कर रही हैं, अब चेक करो ये वाली दो रेज जो मेरी मीट कर रही हैं वो बिहाइंड द लेंस बन रही है, ठीक है, किस तरफ बनती जा रही है, इस तरफ। आप अगर आगे एक्सपेंड करोगे तो ये इस तरफ बनती जा रही है, यहां पर जाके मीट किया, ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है मेरा डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट निकल गया। तो ये मैंने पहला केस ही वर्चुअल का उठा लिया, अब देखो कंफ्यूज मत होना, अब मैंने पहला केस वर्चुअल का क्यों उठाया, यहां पर समझाने के लिए उठाया, ठीक है। अब मिरर के केस में देखते हैं, मिरर के केस में, ठीक है, अगर आप मिरर का केस देखो जब भी आप मिरर का केस देखते हो, ये कन्वेक्स मिरर आ गया, मिरर में क्या होता था, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड पे बनता था, अगर इमेज इस साइड पे बनती थी तब हम वर्चुअल का केस लेते, लेकिन नहीं, लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में जब भी इमेज इस साइड बनेगी तो वर्चुअल का केस निकल के आएगा, ये उल्टा है, ठीक है ना, लेंस और मिरर के केस में वर्चुअल की पोजीशन अलग अलग है। लेंस के केस में रियल इमेज तब निकल के आएगी जब वो इस तरफ बनेगी, राइट हैंड साइड में बनेगी, ठीक है, अगर इमेज इस तरफ बनती जा रही है तब इसे रियल में मानते हैं, मिरर के केस में उल्टा है, इधर मिरर के केस में अगर इमेज इधर आती है तब वर्चुअल होता है, अगर ऑब्जेक्ट की साइड पे आ जाए तो इमेज रियल होती है। तो लेंसेज और मिरर के केस में ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस के साथ ही चल रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब अगर यहां पर आप बात करो, ठीक है, ये अब मैंने क्या बताया था, वर्चुअल का केस जब भी आएगा इमेज क्या होगी, इरेक्ट, ये देखिए ये इरेक्ट निकल के आ रही है, इरेक्ट मतलब सीधी निकल के आ रही है, दूसरा इनलार्ज निकल के आ रही है, बहुत बड़ी निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखो कि लेंसेज के केस में हमें रियल इमेज के लिए, अब इसे क्या बोलूंगा, बिहाइंड द लेंस, ये बिहाइंड बन जाता है, इसमें बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बन रही है, ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये कॉपी के ऊपर नोट कर लो ये डिफरेंसेस। तो ये मेरा पहला केस निकल के आ गया, दिस इज माई फर्स्ट केस, ठीक है।
अब ये मेरा पहला केस यूज कहां पे करते हैं, अगर आप ध्यान दो मेरा पहला केस यहां पर यूज कहां पे हो रहा है। जब भी आप देखो जो डिटेक्टिव लेंसेज यूज करते हैं, ठीक है, वो अब जब भी लेंस यूज करते हैं, आपने कोई ना कोई मूवीज में देखा होगा डिटेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप निकल के आ रहा है, माइक्रोस्कोप में ऐसा ही कुछ यूज किया जा रहा है। ये पहला केस मेरा माइक्रोस्कोप के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, ये पहला केस मेरा माइक्रोस्कोप में यूज हो रहा है। क्लियर हो रही है? सिंपल लेंसेज के अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक है। देन सेकंड केस की तरफ जा रहा हूं, सेकंड केस की तरफ जा रहा हूं। किसी को डाउट फर्स्ट केस में कोई है तो बता दो, डिफरेंस क्लियर हो रहा है लेंसेज और मिरर्स के बीच में, मिरर्स का? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। देन सेकेंड केस निकल के आया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, ठीक है, सेकेंड केस मेरा निकल के आ रहा है, केस टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस के ऊपर रख दिया। फिर से मैंने क्या किया, एक लेंस तैयार किया, पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस, अगेन ये फ्री हैंडेड बना लिया, ये हमेशा फ्री हैंडेड बनाना, पेपर में डिजाइन पर डालने शुरू कर देना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो मैंने देखा कुछ बच्चे कंपास के साथ ये कर्व पोर्शन बनाना शुरू करते हैं, वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। देन हमने क्या इमेजिन किया, ये प्रिंसिपल फोकस, अब ये सेम डिस्टेंस के ऊपर, लगभग सेम डिस्टेंस के ऊपर इस साइड पे भी फोकस मार्क कर दो, ठीक है। जो बुक्स होती हैं, अगर आप बुक्स उठा के देखोगे तो कुछ बुक्स में यहां इधर एफ होता है, इधर एफ डैश होता है, सेम डिस्टेंसेस के ऊपर, वो आपकी विश है। अगर एफ डैश लेके चलना चाहते हो एफ डैश लेके चलो, अगर एफ लेके चलना चाहते हो एफ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को बना दिया। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, दैट इज ओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रे बनाई, ये वाली रे फोकस में से पास करके चली, ये वाली रे मेरी फोकस में से पास करके चली, दूसरी रे मेरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके जा रही, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मेरी क्या निकल के आएगी, पैरेलल निकल के आएगी। जब भी रेज मेरी पैरेलल निकल के आती है तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी में जाके मीट करेंगी, इमेज कहां मीट कर रही है मेरी, इंफिनिटी के ऊपर जाके मीट करेंगी, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगा। गजल अपना स्पीकर बंद करो, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड केस। अब यहां पर इसकी अगर नेचर की बात करें, इमेज के नेचर की बात करें, तो आप ये सोच के चलो, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, अगर इमेज इस साइड पे बनती है कन्वेक्स लेंस में तो उसे कहते हैं रियल। अगर ये रियल होगी तो याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। ये मेरा नेचर निकल गया, ठीक है। इमेज मेरी अगर राइट हैंड साइड में बनती है लेंस के तो उसे बोलते हैं रियल। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एट इंफिनिटी। अब जब भी कोई चीज इंफिनिटी पे बनेगी, याद रखो वो इनलार्ज होगी, वो क्या होगी, साथ के साथ भी इनलार्ज। ठीक है, देन मेरा सेकंड केस निकल के आ रहा, थर्ड केस निकल के आ रहा, सॉरी, ठीक है, बड़े इजी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट
is between F and 2F. F और 2F के बीच में निकल के आ रहा है जब ऑब्जेक्ट. F और 2F के बीच में निकल के आ रहा है जब ऑब्जेक्ट. अब यहां पर मैं स्केल लेने वाला हूं, प्रॉपर स्केल के साथ मेजरमेंट्स लूंगा. ठीक है, देखिए ये पॉइंट आ गया. देखिए ठीक है, अब ये देखिए प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ, ये 2F, ये F, ये F, ये 2F. चाहो तो इसे F डैश, इसे F डैश लिखो, चाहे इधर F डैश लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता. आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस सेम होने चाहिए. अब ये मैंने 3-3 के डिस्टेंस पे ले लिए एक दूसरे के साथ, 3-3 के डिस्टेंस पे ले लिए. मैंने यहां पर फोकल लेंथ यहां पर 3 मान के जा रहा हूं, ये मेरा लेंस निकल के आया. अब ऑब्जेक्ट क्या है, इस बिटवीन एफ एंड 2F, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में बना दो, कहीं पर भी बना दो F और 2F के बीच में. ये बना दो, कहीं पर भी बना दो. ठीक है, तो इमेज मेरी कहां से, पहली रे जो फर्स्ट रे मेरी निकल के आएगी हमेशा यहां से यहां पर बैंड कर जाती है फोकस में से. ये रूल है, मैं अब रूल की हेल्प के साथ मूव कर रहा हूं. तो रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, हमेशा वो फोकस में से पास करके जाएगी, हमेशा वो फोकस में से पास करके जा रही है. ठीक है, देन एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करके जाएगी, किस तरह से, एक रे मेरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके जाएगी. तो इमेज कहां बन रही है मेरी, बियॉन्ड 2F. ये अगर ए है, ये बी है, तो ये आएगा बी डैश ए डैश. ठीक है, तो यहां पर नेचर क्या निकल के आ रहा है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड का निकल गया. जब भी रे ऑपोजिट होगी तो वो रियल होगी, फिर कोई रे आ रहा है बस. ठीक है, बियॉन्ड सी निकल के आ रही, बियॉन्ड 2F निकल के आ रही, थर्ड इनलार्ज निकल के आ रही. थर्ड केस क्या निकल के आया, इनलार्ज बड़ी निकल के आ रही, इस तरह से. ठीक है, इसी तरह से फोर्थ केस की तरफ बढ़ते जाए. अब तो इजी लगने जाता है, अब आप खुद ड्रॉ करके देख लो. चाहे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज है 2F, अगर 2F के ऊपर तो यहीं पर उठा लेता हूं, पिछले केस को उठा लेता हूं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी, अब ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर ले लिया, 2F के ऊपर ले लिया. ठीक है, दिस टाइम ऑब्जेक्ट मेरा किसके ऊपर निकल के आ रहा है, 2F के ऊपर निकल के आ रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट निकल गया. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2F के ऊपर है. ठीक है, तो अगेन मैंने एक रे भेजी, दैट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस में से पास करके जाए. ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके जाएगी, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. तो मैं क्या देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट मेरा किसके ऊपर निकल के आ रहा है, 2F के ऊपर ही निकल गया. थोड़ा सा खुद कर लेना, ये
यहां पर आके कहीं मीट करता है। ऑब्जेक्ट मेरा किसके ऊपर आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर। तो यहां पर नेचर क्या निकल गया? अगेन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड का निकल गया। सेकंड एट 2f निकल के आई। थर्ड सेम साइज निकल के आया। ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का साइज भी वही निकल के आएगा, सेम साइज। ये मेरा फोर्थ केस निकल के आ गया। पेंसिल स्केल के साथ जब करोगे, आपको इसके लिए क्या चाहिए? एक पेंसिल चाहिए, एक स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए नहीं है। इरेज करोगे तो बार बार गंदा लगेगा एग्जाम में। पहले से तैयार हो रहे कि हाँ मुझे अच्छे तरीके से बनाना। ठीक है, अगले केस की तरफ जा रहा हूं। फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 2f के बियॉन्ड निकल के आ रहा। इस तरह मैंने 4 के डिफरेंस में ले लिया। ये 2f, ये f, अगेन ये f, ये 2f। ठीक है, when the object is beyond 2f, ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट निकल गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट रे निकल के आ रही है इस तरह से, वो पास करके जाएगी फोकस में से इस तरह से। दूसरी रे जो आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर में से, वो पास करके जा रही है इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हो? जो मेरा इमेज बन रहा है कहां पर बन रहा है? बिटवीन f एंड 2f। इमेज क्या बन रही है? बिटवीन एफ एंड टू एफ बन रहा है। तो अगेन ये मेरा कौन सा केस निकल गया है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड का केस निकल गया है। सेकंड इमेज यहां पर छोटी बन रही है, थोड़ी डिमिनिश होगी। थर्ड रियल, थर्ड बिटवीन, बिटवीन f एंड 2f निकल गया। ये मेरा इस तरह से केसेस निकल गया, बिटवीन f एंड 2f निकल गया। ठीक है, देन लास्ट केस इसका जो निकल गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब इंफिनिटी की बात कर रहे हैं ना, सन हो गया, ये हो गया, लेकिन इसके अलावा इंफिनिटी का मतलब होता है लेंस के साइज के हिसाब से ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा दूर पड़ा, फॉर एग्जांपल लेंस अगर सेंटीमीटर्स में है, ऑब्जेक्ट अगर मीटर्स में निकल के आ रहा है, तब भी उसे इंफिनिटी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखो, अकेला मून या सन को इंफिनिटी नहीं कंसिडर करेंगे। लेंस का साइज यहां पर बहुत छोटा निकल के आ रहा है। ठीक है, इंफिनिटी उसे कंसिडर किया जाता है अगर लेंस के साइज के साथ कंपेयर किया जाए डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। ठीक है, अब अगर लेंस का साइज अगर मीटर्स में निकल के आ रहा है, सेंटीमीटर्स में निकल के आ रहा है, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस अगर मीटर्स में निकल के आएगा, उसे भी इंफिनिटी ही कंसिडर करूंगा। दैट इज ऑल्सो द इंफिनिटी। अब आप जब इसे
फ्री हैंडेड भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसे ड्रॉ करोगे तो इस तरह से निकल के आएगा, ये एफ हो गया, ये टू एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये टू एफ हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो याद रखो, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इस तरह से रेज बना दो। अब जब भी दो रेज पैरेलल निकल के आ रही हैं तो हमेशा वो बेंड कर जाएंगी फोकस की तरफ, तो बेंड कर जाएंगी फोकस की तरफ, तो इमेज मेरी किसके ऊपर आ रही है, फोकस के ऊपर निकल के आएगी इमेज मेरी, किसके ऊपर निकल के आएगी, फोकस के ऊपर निकल के आएगी और डिमिनिश होगी, डिमिनिश स्मॉल रियल एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड एट एफ ओ, एट एफ ओ, ठीक है। तो ये मेरे सिक्स केसेस निकल के आ रहे हैं कन्वेक्स लेंस के, दीज आर माई सिक्स केसेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, एक डिफरेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, वहां पर यहां पर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उधर कंकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस के सिक्स केसेस आ रहे हैं, कंकेव मिरर के सिक्स केसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस दिमाग में रख के चलिएगा, उधर आप क्या ले रहे हो, कन्वेक्स लेंस ले रहे हो, इधर हमारे पास कन्वेक्स लेंस आ रहा है, उधर कंकेव मिरर आ रहा है, कन्वेक्स लेंस के केसेस में यहां पर सिक्स केसेस है, वहां पर कंकेव के केसेस में सिक्स केसेस। अब ये इसका रीजन देने जा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, उल्टा कैसे हो गया एकदम से, ठीक है। उल्टा इसलिए हुआ, आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जब आप एक कन्वेक्स मिरर को बनाते हो, एक ये सरफेस आ रहा है, दूसरा ये सरफेस आ रहा है, दूसरा ये सरफेस आ रहा है, ठीक है। जो रेड सरफेस मेरा निकल के आ रहा है, फाइनल इमेज किसने तैयार करनी है, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय दिस रेड सरफेस, फाइनल इमेज रेड सरफेस ने तैयार करनी है, ठीक है। अब याद रखो, कंकेव मिरर कैसे होता था, कंकेव मिरर इस तरह से होता था, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये रेड वाला पोर्शन और ये कंकेव मिरर आपस में क्या कर रहा है, सेम पोर्शन सर, ठीक है, ये भी इनवर्ड है, इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड, ठीक है। जो सरफेस ने मेरा फाइनल इमेज तैयार करनी होती है ना, उसका नेचर डिसाइड करता है कि कैसी इमेज होगी। अब आप देखो मिरर के साथ कंपेयर करके देखो, मिरर कंकेव मिरर क्या होता है, इनवर्ड होता है, ये पोर्शन भी क्या आ रहा है, इनवर्ड निकल के आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सर्फेसिस मैच कर रहे हैं, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द सेम सर्फेस। ये रीजन है कि कन्वेक्स लेंस के क्या निकल के आते हैं, सिक्स केसेस आते हैं, क्योंकि फाइनल इमेज एक कंकेव सर्फेस तैयार करता है, कंकेव मिरर नहीं तैयार कर रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंकेव सर्फेस जैसा एक मटीरियल तैयार कर रहा है, कंकेव सर्फेस जैसा एक मटीरियल तैयार कर रहा है। दिस इज द रीजन के फाइनल इमेज जो है, ठीक है, जो मेरे पास केसेस निकल के आ रहे हैं वो पूरे कंपेयर किए जा रहे हैं किसके साथ, कंकेव मिरर के साथ कंपेयर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम थोड़े से साइन कन्वेंशन के साथ कन्वेक्स मिरर में आगे बढ़ेंगे, वैसे पहले कंकेव मिरर हम करेंगे, ठीक है, कंकेव मिरर के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंकेव मिरर हम आगे जाएंगे।
अच्छा अब ये क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना इसमें? समझ में आया वहां पर छह केसेस क्यों मैच कर रहे हैं कंकेव मिरर के साथ? किसी को कोई डाउट नहीं है? इस बात को नोट कर लो क्योंकि बुक्स में ये बात मिलती नहीं है, ठीक है? इस बात को कहीं ना कहीं नोट कर लो, बुक्स में ये बात मिलती नहीं है कि वाई कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस और कंकेव मिरर के केसेस आपस में मैच करते हैं। मैच करने का रीजन आपको मैं ये बता रहा हूं क्योंकि दो सर्फेसिस को ज्वाइन करके कन्वेक्स लेंस बनता है। अब जो फाइनल सर्फेस होता है जिसमें से रे ने पास करके जाना है, उस वो सर्फेस का नेचर डिसाइड करता है कि इमेज कैसे बनेगी। अब कन्वेक्स लेंस के केस में वो सर्फेस इनवर्ट निकल के आ रहा है। इनवर्ट सर्फेस किसका होता है? कंकेव का होता है। इनवर्ट सर्फेस को क्या बोलते हैं? कंकेव। अगर कोई सर्फेस आउटवर्ड है, ये देखिए ये आउटवर्ड निकल गया, ये आउटवर्ड है तो ये कन्वेक्स निकल गया है। इनवर्ट सर्फेस हमेशा कंकेव निकल के आता है। दिस इज द रीजन ये आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। दिस इज द रीजन अगर कन्वेक्स मिरर के कंकेव मिरर के सिक्स केसेस आ रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस के भी क्या केसेस आएंगे, सिक्स केसेस निकल गया, ठीक है? इसी तरह से अगर आप कंकेव मिरर की बात करें तो फाइनल इमेज इसने तैयार करनी है, फाइनल इमेज इस सरफेस ने तैयार करनी है। ये वाला सरफेस देखिए आउटवर्ड, ये वाला सरफेस क्या निकल के आ रहा है, आउटवर्ड। तो कंकेव मिरर के केस में, कंकेव लेंस के केस में, ठीक है, ये आप कन्वेक्स मिरर के साथ कंपेयर करके सच करो, क्योंकि कन्वेक्स मिरर भी ये इस तरह से होता है आउटवर्ड। ये कन्वेक्स मिरर, ये आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड आ रहा है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, सर्फेसिस मैच कर रहे हैं, इसलिए इसके सिर्फ दो केसेस निकल गए हैं, इसके भी दो केसेस निकल गया। तो इस तरह से कंपेयर करके चल सकते हो, ठीक है जी।